हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अब यूट्यूब चैनल टोपर ज्ञान एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं आपसीबी का, आरपीएफ की जो आपसीबी की नई भर्ती आई है, इसका एग्जाम कब होगा। आपकी एग्जाम डेट लगभग कंफर्म है, ठीक है, और आपसीबी का आरपीएफ का एग्जाम है, इसकी की कट ऑफ क्या रहेगी, एग्जाम कब होगा, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं डिटेल में। चलिएगा शुरू करते हैं। तो आपका जो एग्जाम है ना, सबसे पहले जान लेते हैं कि आपसीबी का जो एग्जाम है वो कब होगा। तो एग्जाम आपसीबी का कराएगा कौन, टीसीएस, ठीक है, ठीक है। वैसे आपके यहाँ पर जो एग्जाम कराने वाली एजेंसीज हैं, एजेंसीज तो बहुत सारी हैं, मगर इसमें फॉर्म ज्यादा भरा जाता है, तो इसलिए इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराएगा वो कराएगा टीसीएस। अभी कहीं पर ये ऑफिशियल नहीं है, मगर आपसीबी का रेलवे ग्रुप डी हो, रेलवे एनटीपीसी हो, ठीक है, ग्रुप डी में करोड़ों बच्चों ने फॉर्म भरा था और सबका एग्जाम टीसीएस ने कराया, वेल बींग, और कहीं पर भी पेपर लीक भी नहीं हुआ, ठीक है। तो ट्रस्टेबल है और ये पॉसिबिलिटी है कि इस बार भी यही इसका एग्जाम कराएगी, ठीक है, क्योंकि और जो एजेंसीज हैं ज्यादा बच्चों के जब एग्जाम कराती है ना, तो अपने हाथ खड़े कर देती है, ठीक है। तो सारे बच्चे ध्यान देंगे जब वो कराएगी तो कब कराएगी, ठीक है। और यहां पर इस बार आपकी जो कट ऑफ है, कट ऑफ क्या रहने वाली है, चलेगा जान लेते हैं उसके बारे में। तो यहां पर देखते हैं एग्जाम, एग्जाम आप सभी का कब होगा। तो एग्जाम आप सभी का तब भी हो, उससे पहले आप सभी के दो एग्जाम और होंगे, और वो दोनों एग्जाम कौन कौन से हैं वो यहां पर देख लेते हैं। हाँ, यहां पर देख रहे होंगे आप लोग स्क्रीन पर। तो एक एग्जाम आप सभी का होगा एएलपी का, ठीक है, एएलपी का एग्जाम होगा, और एक होगा आप सभी का टेक्नीशियन का, ठीक है। एएलपी और टेक्नीशियन, इनके बहुत सारे फॉर्म फिलअप हुए अलग अलग। उसके बाद आप सभी का होगा आरपीएफ का एग्जाम, ठीक है, किसका एग्जाम होगा, आरपीएफ का एग्जाम होगा। तो अब मैं क्लियरली बता दूं, टीसीएस कब फ्री होगा और आपका कब एग्जाम होगा। तो एग्जाम आप सभी का पहुंचने की पॉसिबिलिटी यहां पर क्या बननी है, ये पॉसिबिलिटी आप सभी की बननी है कि आपका जो एग्जाम है वो लगभग सितंबर में जाएगा, सितंबर भी छोड़ो अक्टूबर में ही जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी आप सभी का चल रहा है मई, ठीक है, मई खत्म होगा, फिर चलेगा आप सभी का जून, और जून में एग्जाम टीसीएस करा रही है डीएसएसबी के, उसके तुरंत बाद आप सभी का यहां पर होगा एग्जाम, ठीक है, सीपीओ, सीपीओ के बाद आप सभी का यहां पर सीएचएसएल जाएगा, सीएचएसएल के बाद ये एमटीएस जाएगा, ठीक है। उससे पहले ये इसके डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम भी कराएगा, डी ट्रिपल एस बी के बहुत सारे वेरियस फॉर्म अप्लाई हुए हैं, ठीक है, इसका एग्जाम दिल्ली दिल्ली में होता है, मगर कराता टीसीएस के सेंटर ही है, ठीक है। उसके बाद आप सभी का सीजीएल होगा, और बीच में अगर एएलपी करा दिया इन्होंने, टेक्नीशियन बजेगा, ठीक है, और ये आप सभी का सीजीएल अगस्त से सितंबर जाएगा, यानी कि सितंबर में ये फ्री होगा, सितंबर में 12 चार्ज, ठीक है, सितंबर में इन्होंने एएलपी करा दिया, सितंबर में एएलपी करा दिया, अक्टूबर में इन्होंने टेक्नीशियन करा दिया, अक्टूबर में अगर ये टेक्नीशियन करा देते हैं तो नवंबर तक पॉसिबिलिटी बननी है आपके एग्जाम की, नवंबर तक, उससे पहले आपका एग्जाम होने के चांसेस ही नहीं है, ठीक है। तो आपको जो एक्सपेक्टेड सोच के चल रहा है ना, कराने को कभी भी करा सकते हैं, मगर अक्टूबर से ये एग्जाम चलेगा, अक्टूबर से नवंबर, ठीक है, अक्टूबर से नवंबर ये एग्जाम होगा और इसकी ही पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है, चलेगा। आगे देखते हैं, एग्जाम डेट कंफर्म हो चुकी है, इसके जो आपका एग्जाम का सिलेबस है वो देख लेते हैं, वो कट ऑफ देखते हैं। तो यहां पर आप सभी का सिलेबस दे रखा है, और ये जो सिलेबस है ना, सिलेबस में आप सभी का यहां पर जीके, मैथ्स और यहां पर रीजनिंग होगा। जीके के 50 क्वेश्चन, मैथ्स के 35 और आप सभी के रीजनिंग के 35, इतने ही क्वेश्चन इतने ही मार्क्स के होंगे, कुल मिलाकर 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट्स यहां पर आपको दी जाएंगी। 120 क्वेश्चन का, 120 क्वेश्चन का पेपर आपको होने वाला है और उसमें 120 मार्क्स होंगे, ठीक है। मैंने आप सभी को वैलिड रीजन देके एग्जाम डेट कंफर्म की है, याद रख लेना, वीडियो उठा के देख लेना, जिस दिन एग्जाम डेट आएगी यही एग्जाम डेट निकलेगी कंफर्म, ठीक है, चलेगा। अभी आप सभी के पास में टाइम है, तैयारी करते रहें। और हाँ, आप सभी का 27 अगस्त को क्या रहा है, 27 अगस्त को एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन भी आ रहा है, वो भी आप सभी का सेम सिलेबस है। उसके साथ साथ ध्यान देंगे, जो लोग यहां पर आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, किसी चीज की, रेलवे पुलिस फोर्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप सभी लोग के लिए एक बेस्ट बुक सजेस्ट कर देता हूं, ठीक है, ध्यान पूर्वक देखेंगे, बाद में मत कहना कि भाई आपने बताया नहीं था, ठीक है, चलिएगा देख लेते हैं। अगर मैं बात करता हूं तो मैं भी ऑलरेडी रेलवे में सिलेक्टेड हूं, ठीक है। आरपीएफ एसआई एंड कॉन्स्टेबल के लिए वन ऑफ द बेस्ट सोल्व पेपर आप सभी का, अग्रवाल एग्जाम कार्ड का आप लोग परचेस कर सकते हैं, जो कि आप सभी की स्क्रीन पर है, कॉन्स्टेबल पुरुष एंड महिलाओं के लिए, ठीक
ठीक है, 17 सोल्ड पेपर हैं, और जो आप सभी को दिखाई देंगे ना, ये आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई देंगे, ये होने वाले हैं प्रीवियस ईयर के 2019 के 17 सोल्ड पेपर। आप लोग इनको सोल्व कर सकते हैं और इसका आप सभी को काफी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप सभी का ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन वैसे ही सेम रखे आते हैं, या फिर उनके डिजिट चेंज कर देते हैं, या फिर सेम टाइप होते हैं, आप लोग इनको लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सभी की स्क्रीन पर है आरपीएफ कॉन्स्टेबल परीक्षा 2019, और ये जो पेपर आप सभी की स्क्रीन पर है ना, इसको आप लोग देखेंगे, ये 25 जनवरी 2019 को फर्स्ट पाली में ये एग्जाम हुआ था। ठीक है, और ये जो पेपर है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कंबाइंड दिया गया है, तो कोई भी बच्चा ठीक है वो यहाँ पर इसको लगा सकता है। अगर यहाँ पर आगे आप लोग देखेंगे, इसका यहाँ पर जो बुक है ये फुल मॉक सोल पेपर एंड आप सभी का यहाँ पर ये मॉक टेस्ट, ठीक है, प्रीवियस ईयर एंड नवीनतम मॉक टेस्ट दोनों की अलग अलग मिल जाएंगी, और इस पर काफी भरकम डिस्काउंट भी है, आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। मैं आप सभी को स्क्रीन पर दिखाता हूँ इसको, इसमें ये सारा सोल्यूशन दे रखा है, ठीक है, विद इसका एक्सप्लेनेशन के साथ में ही आप लोग यहाँ पर देखेंगे, नीचे आप सभी लोग आएंगे, यहाँ पर ये रीजनिंग है, रीजनिंग का सोल्यूशन काफी अच्छी तरीके से दे रखा है, साथ में मैथ्स, मैथ्स का सोल्यूशन विद ट्रिक दे रखा है यहाँ पर। और ये आप सभी का होने वाला है 15 मॉक पेपर, जो कि आप सभी को बहुत कम प्राइस में देखने के लिए मिल जाएंगे, इसको आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, आप लोग इसको अलग अलग खरीदना होगा, ठीक है, और वो आप सभी का कंबाइंड मिल जाएगा, यहाँ पर ये दे रखा है, साथ में इसका एग्जाम का सोल्यूशन भी होगा, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की होने वाले हैं। और अगर आपको इसको परचेज करना है, परचेज करने का सिंपल तरीका है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, आप लोग इसको अमेजोन से परचेज कर सकते हैं, या फिर अग्रवाल एग्जाम कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसको ऑफलाइन भी ले सकते हैं, इसको इस मॉक टेस्ट को जो कि आप सभी की स्क्रीन पर दिखाई दे रखा है। ठीक है, आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रखा है अग्रवाल एग्जाम कार्ड, यहाँ पर ये, ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले और यहाँ पर इसको परचेज कर सकते हैं। भाई यहाँ पर बात कर लेते हैं आरपीएफ नई भर्ती की कट ऑफ के बारे में, तो यहाँ पर कट ऑफ क्या रहने वाली है, ठीक है, ये दे रखी है आप सभी की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ, और बच्चे यहाँ पर देख देख के कंफ्यूज हैं कि भाई क्या होने वाली है, क्या से क्या करें। ठीक है, मैं आप सभी को बता दूं, तो यहाँ पर जितने भी बच्चे देख रहे हैं ना, जितने भी बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हैं कि कैसे क्या करना है, उनको बता देता हूँ कि पहली कट ऑफ तो आप सभी की 18 और 2019 में ये गई थी ग्रुप बेसिस पे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप एफ एंड यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अगर आप लोग इसके अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो कभी तो 55 नंबर पर सिलेक्शन हुआ है, तो किसी का 89 नंबर पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, आप लोग उसको भूल जाएं। ठीक है, अगर फाइनल कट ऑफ की तरफ लेके चलता हूँ ना, डायरेक्ट एक बार में काम खत्म करते हैं कट ऑफ का। ठीक है, बार बार बात अलग, सबसे पहले आता है आप सभी की यूआर कैटेगरी, यूआर कैटेगरी में 120 नंबर की बात कर रहे हैं ना, 120 नंबर की, जो बच्चा सेफ रहना चाहते हैं ना, ठीक है, 85 to 90, अभी आप सभी को मॉक में स्कोर करना है 90+ का, ठीक है, मॉक में 90+ का, और सेम कट ऑफ ओबीसी वाले, क्योंकि ओबीसी की कट ऑफ ऊपर भी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये कॉन्स्टेबल की कट ऑफ है, ऐसा ही कि 5 नंबर आप लोग इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है, हाँ, या ये भी आप सभी की 85 to 90 कट ऑफ यहाँ पर रहने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, एस आई वाले 5 नंबर से 10 नंबर इंक्रीज कर लेना कम से कम। हाँ, अब बात करते हैं एस सी वालों की, तो एस सी वाले जितने बच्चे हैं वो 80 to 85, 80 to 85, ठीक है, और एस टी वालों के लिए, एस टी वालों के लिए लगभग यहाँ पर मान के चलेंगे 80 के आसपास। अब ध्यान देंगे सारे बच्चे, गौर से देखेंगे, ठीक है, देखो रेलवे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस काफी आसान है, अगर आपकी गलती है तो आप सभी के लिए काफी मुश्किल है, क्योंकि मैं खुद देख के आया हूँ, अगर आप सभी का रेलवे में है, अगर आपको आई में प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा इशू वहां पर वो मानता है, तो आप लोग उसको भी ध्यान से देख लेंगे अभी। ठीक है, क्योंकि मेरा जहां पर क्या हुआ था, जब मेरा मेडिकल हुआ था लास्ट टाइम रेलवे का, तो उसमें जो ज्यादातर बच्चे आउट थे ना, उनको जो प्रॉब्लम थी वो थी कलर ब्लाइंडनेस, एक्सेप्टेबल ही नहीं है, ठीक है, आरबीएफ में, तो याद रख लेना। और जैसे कि मेरा ग्रुप डी का था, उसमें काफी बच्चे आउट हुए, कुछ को यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस की जगह उनको कुछ अलग पोस्ट दे दी, उनके मार्क्स अच्छे थे, जिनके मार्क्स कम है उसको बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो अच्छे से मेडिकल का अपना देख लेना, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग उसका सोल्यूशन जल्दी से जल्दी निकाल लेना, ये कट ऑफ रहने वाली है। अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से शुरू कर दें, जो आपको चाहिए वो आप सभी को मैं जितना हो पॉसिबल होगा दे पाऊंगा, उसके लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हाँ, ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है, कट ऑफ को देख लेना, ठीक है, इसमें एसआई के लगभग 5 से 10 नंबर ऐड हो जाएगी, ठीक है,
आप कहेंगे भाई इतनी तगड़ी कट ऑफ, हाँ इतनी अच्छी कट ऑफ रहेगी क्योंकि कट ऑफ जा रही है 120 में से, ठीक है 120 यानी कि 100 नंबर प्लस कट ऑफ जाने वाली है ओबीसी एंड जनरल की। अगर आपके मार्क्स आएंगे आप कहेंगे कि कम नंबर पे सिलेक्शन होगा, तो फर्स्ट कट ऑफ आपसे भी की कम लग जाएगी, फर्स्ट कट ऑफ आपसे भी की कम लग जाएगी, मगर फाइनल कट ऑफ तो इंक्रीज होनी ही है, ठीक है। अगर किसी वजह से नॉर्मलाइजेशन अच्छा मिल गया 15-15 20-20 नंबर का, तो ये कट ऑफ 120 ना पहुंच जाए, ठीक है। अगर आपका वही चलता है मिनिमम वही सेम चलता है, तो आप सभी की वही रहने वाली है जितनी एज यूजल चलती है, ठीक है, जो कि मैंने आप सभी को बताया ये एक्सपेक्टेड है, रियल कुछ नहीं है। आप लोगों को इससे ज्यादा मार्क्स लाने हैं, इससे ज्यादा मार्क्स लाने हैं, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें अपने दोस्तों में। जय हिंद।